हरे कृष्णा, एक महान व्यक्तित्व के बारे में आप सबको आज मैं बताने वाला हूँ। ये जो हमारा कोष्ठक मिशन है, जिसके तहत हम विप्लव फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं, तो ये कोष्ठक मिशन का जो विजन है, ये सारा विजन जो आया हमारे पास, जिसने इस मिशन को सेटअप किया, जिन्होंने इस विजन से देखा, हमको विजन दिया, वो महान पर्सनालिटी हैं हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। आप सब जानते हैं कि हमारा जो विप्लव फेस्टिवल होने वाला है, उसमें महाराज जी आ रहे हैं। महाराज के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि महाराज जो हैं वो हमारे इज द फर्स्ट इंडियन डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद। कितनी खुशी की बात है कि ऐसे महान व्यक्तित्व से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। महाराज जो हैं आज ही हैज बीन प्रीचिंग ऑल ओवर द ग्लोब फॉर मोर देन 50 इयर्स। महाराज 1967 में इस्कॉन ज्वाइन किए। अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज मैनी टेम्पल्स हैज बीन बिल्ट। गुरुकुल प्रोजेक्ट्स आर रनिंग जो है दिल्ली NCR में। आज आप देख सकते हैं कम से कम 17-18 मंदिर बन चुके हैं, हजारों की संख्या में बन चुके हैं ना। तो ये महाराज की महिमा है। महाराज दीक्षा गुरु हैं इस्कॉन में, इन्होंने अभी तक 40,000 से भी अधिक शिष्य बनाए, और केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में ना महाराज के शिष्य हैं। रसिया, अमेरिका, यूरोप, इंडिया के साथ साथ अफ्रीका और कई देशों में महाराज के शिष्य हैं। जहाँ भी महाराज अपने चरण रख देते हैं, वहाँ पर भक्तों की बाढ़ आ जाती है। प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण जो है इतने तेज़ी से बढ़ने लगता है। अब देखिए पिछले कई वर्षों से इस्कॉन में दिल्ली टेम्पल जो है नंबर वन आ रहा है बुक डिसीजन में, क्योंकि महाराज की बहुत हार्दिक इच्छा है कि प्रभुपाद जी किताबों का वितरण। महाराज ने एक मिड डे मील कार्यक्रम शुरुआत की, जिससे कि आज तक लगभग 4.7 बिलियन मतलब आप समझिए 4.7 बिलियन का मतलब कितना हो गया, 470 करोड़ बच्चों को है ना मिड डे मील प्रोग्राम के तहत भोजन प्राप्त हुआ है अभी तक महाराज के इनिशिएटिव से। महाराज इस्कॉन में GVC भी हैं, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इस्कॉन ब्यूरो जो पूरे इंडिया इस्कॉन के जितनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को गवर्न करता है, उसके महाराज चेयरमैन हैं काफ़ी साल से। और महाराज ने ही मुझे इंस्पायर किया पर्सनली। मुझे याद है जब मैं महाराज से मिला था बेंगलोर में, महाराज से बात हुई थी, तो महाराज ने मुझे कहा था कि यू आर इंटेलिजेंट बॉय, सो व्हाई डोंट यू कम एंड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। महाराज मेरे को 2-3 बार इस तरह से कहा। तो ये जो जितना प्रेरणा जो आज हम देख पा रहे हैं, IVF प्रीचिंग, अकोस्टोक प्रीचिंग, विप्लव फेस्टिवल, सारा इसका विजन जो आता है, उससे महाराज से आता है। उन्होंने ये हमें विजन दिया, चक्षुदान दिलो जयी जन्म जन्म प्रभु से ही। ऐसे महान व्यक्ति तो सोचिए जो किसी को टच करते हैं तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलने का अवसर आप लोगों को प्राप्त होगा तो कैसा रहेगा, आप लोग मिलना चाहेंगे हैं? तो वो सुंदर अवसर आपको प्राप्त होगा कहाँ पे, विप्लव फेस्टिवल में। महाराज श्री तीनों दिन आएंगे और अपना संग देंगे ना? आप महाराज से प्रश्न पूछ सकते हो। महाराज के साथ एक टॉक शो भी है जिसमें महाराज हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये जो विप्लव फेस्टिवल है, कुछ खास होने वाला, कुछ स्पेशल होने वाला है। इसलिए आप लोग इस विप्लव फेस्टिवल को मिस मत करना, क्योंकि ऐसा अवसर लाइफ टाइम में एक बार आता है। इसलिए मस्ट ज्वाइन विप्लव फेस्टिवल एंड काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हरे कृष्ण।